सदियों से हम सही और गलत के चक्कर में हकीकत को ही नजरअंदाज करते आ रहे हैं। अरे हराम को तुझ जैसे जानवरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। औरत लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। और इसी सही गलत की लड़ाई के चलते हकीकत को अपनी आवाज खुद बनना पड़ता है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? लेकिन इस आवाज की सच्चाई को पहचानना हमारी जिम्मेदारी है। जिसे न आदि अंत है, जो ज्वाला सा ज्वलंत है, जो हर किसी का भाग है, सच्चाई की वो आग है। सच्चाई कुछ और होती है। किसान आंदोलन के चलते आर्थिक तौर पर भारी नुकसान हो रहा है। आंदोलन से रोजाना लगभग अरे सीताराम जी कहिए कैसे आना हुआ? सेठ जी इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, कर्ज लौटाने में थोड़ा और वक्त मिल जाता तो। अरे कोई बात नहीं सीताराम जी, हिसाब अगले साल लगा लेंगे ब्याज जोड़ के। बड़ी मेहरबानी सरकार। अरे अरे सीताराम जी शर्मिंदा मत करिए, जाइए। आते हैं सरकार, चलो। सीताराम जी मुद्दल अगले साल देना, ब्याज तो आज ही लेंगे। छोड़ो सरकार, सरकार मैं आपका पैर पड़ता हूँ, उसे छोड़ दो। अरे हराम को जैसे जानवरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। औरत लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। मारो इसे, थोड़ा लाभ हमें भी उठाने दो, ले जाओ इसे। शुरू हो जा, देखते हैं तुझमें कितना स्टैमिना है।
अरे उतार कपड़े। ये क्या कर रही हो? जितना कहा गया है उतना कर, नहीं तो साल भर पछताएगा। तुम्हारी इस हरकत के बारे में मैं पूरे कॉलेज को बता दूंगा। क्या तू बताएगा? मैं पूरे कॉलेज को बताऊंगी। कठिन समय तब नहीं होता जब वक्त बुरा हो, बल्कि तब होता है जब लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। औरतों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का जब कुछ औरतें गलत फायदा उठाती हैं, सच का गला घोट दिया जाता है।
कुछ हैवानों की वजह से जब घर की बूढ़ी औरतों से लेकर बच्चियों तक कोई सुरक्षित नहीं होता, तब इंसान आखिर करे तो करे क्या। आज हम 21वीं सदी में आकर भी सही गलत में फर्क करना नहीं सीखे। किसान हो या औरत, दोनों ही अन्याय सहते आए हैं। हर बार सब बस देखते रहते हैं, न जनता कुछ करती है न सरकार। जो जिसके सामने है उसे उससे लड़ना ही होगा। अब हर लक्ष्मी को दुर्गा का अवतार लेकर तांडव करना ही होगा। औरत का झूठ भी सच, जनता मर्द की आवाज उछलती है। आदमी हर बार दोषी नहीं होता, उसकी भी इज्जत उछलती है। सच्चाई को साबित करने के लिए उसे आग बनकर चलना ही होगा। अपनी लाज रखने के लिए लड़कर तांडव करना ही होगा। ये कहानी आदमी या औरत की नहीं, हम सब की है। जब जब किसी पे अन्याय होता है तब तब की है। ये बात समझने में ही अकलमंदी है। हमारी न्याय देवता अंधी है। मैं या तुम नहीं, हम बनकर युद्ध कर भिड़ना ही होगा। यही तो वो घड़ी है जब हम सबको मिलकर तांडव करना ही होगा। निकाल के मन से डर, मुसीबतें तो कई आएंगी, तू डट के तांडव कर। Come on, 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 come on